हे गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम फिर से आए स्केटिंग करने और मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू है। जब तक हमारा फाइनल अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाता मेरे लिए कि मैं थोड़ा लंबा जा सकूं कहीं पर, तो आज नींद खुल नहीं रही है अच्छे से। चलो पहले मैं स्केट्स पहनता हूँ, फिर अब चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने अपने स्केट्स पहन लिए हैं और ये रहा भाई पीछे नीरज भैया, वो तो जा रहे हैं काम पर अभी और मैं आ गया अपनी स्केटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो चलो जहाँ तक भी मिलेगा मौका वहाँ तक जाएंगे। अब आ चुके हैं फिर से, अब पता नहीं कहाँ लेके जाएगा आज, ये पता ही नहीं रहा कहाँ जाएंगे, बस चलते रहो चलते रहो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक और ये रहा राजीव चौक। इस बार हम सर्विस उसके नीचे वाले रास्ते पर आए हैं। देखो इतने सारे व्हीकल्स जा रहे हैं और अभी मैं स्केट चला था और मेरे पैर थोड़े पतले हैं तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इन्हें चलाने में। मेरे को लगभग डबल सॉक्स पहननी पड़ती है इन्हें चलाने के लिए, जिससे मेरे पैर में दर्द हो जाता है ज़्यादा। चलो अभी तो चलना है, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है। चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ी सी पहले, अब बस ये वाला फ्लाईओवर बस बाकी है और इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। इस बार हम स्पीड चेक कर रहे थे, हम वैसे रोज डिस्टेंस कवर करते हैं लेकिन इस बार हम स्पीड चेक कर रहे थे मैक्सिमम कितनी तेज तेज जा सकते हैं। सो गाइस हम बहुत आगे आ चुके हैं, देखो एयरपोर्ट खाली, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया। अरे जूम आउट करा था, जूम इन हो गया। और यहाँ पे देखो, और ये माउंटेन जैसी शेप के यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं। अगर आप कभी गुड़गांव में होंगे तो आपने देखे होंगे, मेन हाईवे पे ही पड़ते हैं बिल्कुल। और ये बिना स्केटिंग कर रहा है। नाटू 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 नाचू मैं नाचू मैं नाचू नाटू नाटू नाटू। सो गाइस देखो विनय आ रहा है, आज मैं और विनय रेस लगा रहे थे। सो गाइस इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं एम्बियंस मॉल के पास, एम्बियंस मॉल ये रहा, और सनराइज भी होने वाला है। और आज हमें कम टाइम लगा है पहले से कि हम यहाँ पे बहुत जल्दी आ गए हैं।
मतलब स्केट्स के ऊपर एवरेज स्पीड 20-25 और 30 की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आदमी मतलब साइकिलिस्ट भी होते हैं ना, वो भी इतनी तेज साइकिल ही चला सकते हैं, मतलब एकदम कांस्टेंट स्पीड पे। हम पहुंचने वाले हैं येरा विनय, और यहाँ से हम इधर जा रहे हैं। सो गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, और ये अभी ने हमें आना था एम सी टोल, हम आ चुके हैं यहाँ पर। साइकिल का टायर मेरे मार दिया, देखो मैं लगी हुई है, कहाँ लगी है भाई साहब, तो बहुत पे लगी है, यहाँ पर स्क्रैच पड़ गया, कैमरे में दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ बहुत पे लगी है, जलन भी हो रही है, क्या करूँ मैं अब, मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ। सो गाइस देखो, हम अंडरपास के अंदर आए थे, ओह इसकी स्पीड बहुत तेज है। इसकी स्पीड यहाँ पर बहुत तेज थी, मेरे को तो लग रहा था साइकिल पर आके टूट जाएगा ये, और इसके चोट भी लग गई, पता नहीं मेरे पीछे साइकिल के पीछे आ गया था और इसका गलत पैर साइकिल के टायर से टच हो गया, इसके चोट भी लग गई। तो देखो भाई साहब जी क्या कर रहा है, ये भी साइकिलों को सीढ़ी से चढ़ा रहा है, और मैं तो स्केट दो, मैं तो चढ़ जाऊँगा आसानी से, चढ़ो चढ़ो भाई साहब, चढ़ो 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 जल्दी चढ़ो, मैं तो चढ़ी जाऊंगा लेकिन इसका क्या और उसका क्या, जो तू साइकिल अब नहीं चढ़ा है पारा यारा, तू है सबसे पागल। तो गाइस अभी आए थे यहाँ से, साइकिल नीचे ले जाने का ट्राई कर रहा था, और इसकी है ना बैंड बज गई, कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे को डर लग गया। ओ माय गॉड, देखो अब साइकिल की सीट भी इसने नीचे कर ली थी मेरे को नीचे, अब मैं स्टंटमैन बन के दिखाऊंगा, यहाँ से सीधा कुदाने वाला था सीधा नीचे, और फिर इसकी बैंड बज गई, मैं भी थक गया है, गर्मी लग गई मेरे को, ओ माय गॉड। तो अभी हम अपने आधे रास्ते में आए हैं गाइस, तो अभी हमें चलना है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अब हम अपनी डेस्टिनेशन राजी चौक पहुँच चुके हैं, और इसका कुछ नहीं है, इसका हम घर जाएंगे, खाना पीना खा के अपना स्कूल का होमवर्क करेंगे, क्योंकि स्कूल का बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिल रखा है, घर चलते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।